और फाइनली गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन भी निकाल चुकी है, और फाइनली गवर्नमेंट यहाँ पे सर्कुलर भी इशू कर चुकी है, और दो नोटिफिकेशन है, दो सर्कुलर है, मतलब चार काम ऐसे और हैं जो उन आठ के साथ में जुड़ जाएंगे, तो टोटल मिला के 12 काम ऐसे होंगे जो ना तो गुड्स की सप्लाई बनेंगे और ना ही सर्विस की सप्लाई बनेंगे। अब मेन प्रॉब्लम क्या है सर? मेन प्रॉब्लम आठ काम में नहीं है, आठ काम तो सबको याद होंगे, मेन प्रॉब्लम है इन चार काम में। अब ये चारों काम है तो आसान, बिल्कुल गिरे हुए हैं, इनको उठाना पड़ेगा, बट समझना तो जरूरी है ना उसके लिए। अब ये चार काम कौन से हैं, तो पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आओ कि हमें चार काम करने हैं, दो तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है और दो गवर्नमेंट के सर्कुलर हैं, और ये चार काम ऐसे हैं इनको भी ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना ही सर्विस की सप्लाई मानेंगे, इनके काम पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब जो ये चार में से दो काम है, दो काम तो नोटिफिकेशन से आए हैं और दो काम सर्कुलर से आए हैं जी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वन बाय वन। सबसे पहले हम दो काम करेंगे नोटिफिकेशन वाले, उसके बाद फिर दो काम करेंगे सर्कुलर वाले, और फिर फाइनली ये चार काम हमारे कंप्लीट होंगे, तब जाके 12 काम हमारे कंप्लीट होंगे जो ना तो गुड्स के सप्लाई में कवर होंगे ना ही सर्विस के सप्लाई में कंप्लीट होंगे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब ये दो काम, ये दो नोटिफिकेशन कौन सी हैं, इधर देखो ध्यान से एक बार, अब यहां पे चेक करना, इधर देखो ध्यान से यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, एक बार चेक करो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी। गवर्नमेंट बहुत ध्यान से, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, नॉन सप्लाई नोटिफाइड वाइड नोटिफिकेशन, नॉन सप्लाई मतलब जिसको हम सप्लाई में कवर नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट लेकर आई है। और ये कौन सा क्लोज है सर? ये क्लोज है 7(2) का क्लोज नंबर ए, तो शेड्यूल नंबर 3 वाला कल कंप्लीट कर चुके हैं। ये 7(2) का जो क्लोज नंबर बी है, ये उसकी बात कर रहे हैं 7(2) के क्लोज नंबर बी की। अब एक बार चेक करो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है जी, गवर्नमेंट इज एम्पावर टू नोटिफाई द एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अंडर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज द पब्लिक अथॉरिटी एज द एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, लोकल अथॉरिटी करे, ठीक है, उन काम को ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की सप्लाई मानेंगे, बट सारे काम नहीं, जो भी नोटिफिकेशन के अंदर होंगे उन काम को यहां से बाहर निकाल देंगे। अब देखो आगे क्या लिख रही, वो कहना चाह रहे टिल नाउ, मतलब अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक, फॉलोइंग टू एक्टिविटी ट्रांजेक्शन हैव बीन नोटिफाइड अंडर सेड क्लोज, मतलब टिल डेट तक अभी तक दो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लेकर आई है, और जो भी काम उन दो नोटिफिकेशन में होंगे ना तो उनको गुड्स की सप्लाई मानेंगे और ना ही सर्विस की सप्लाई मानेंगे। अब चेक करते हैं वो दो नोटिफिकेशन कौन सी है। सबसे पहली नोटिफिकेशन है एक बार चेक करना क्या लिखा हुआ है, वो कहना चाह रहे हैं एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत म्यूनिसपैलिटी फंक्शंस, मतलब पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के जो भी फंक्शंस होते हैं ना, जो फंक्शंस होते हैं, मतलब पंचायत और म्यूनिसपैलिटी जो भी काम करती है उनके काम को गुड्स और सर्विस की सप्लाई से बाहर निकाल दिया, उनके काम पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। अच्छा अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नॉर्मली पंचायत की अगर बात करूंगा तो पंचायत मीन्स पंचायत कहाँ पे होती है, नॉर्मली पंचायत कहाँ पे होगी, गाँवों के अंदर होगी, और म्यूनिसपैलिटी कहाँ पे होती है, नॉर्मली शहरों के अंदर होगी। अब इन पंचायत और म्यूनिसपैलिटी के कौन से काम की बात कर रहे हैं भाई? पंचायत और म्यूनिसपैलिटी, उन्होंने क्या बोला कि एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत / म्यूनिसपैलिटी फंक्शंस, मतलब जो इनके फंक्शंस होंगे उनकी एक्टिविटी को हम यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ना तो गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना वो सर्विस की सप्लाई मानेंगे। अब ऐसे कौन से काम है म्यूनिसपैलिटी के, ऐसे कौन से काम है पंचायत के जो यहां से वो बाहर करने की बात कर रहे हैं, एक बार चेक करना क्या लिखा है। सर्विस बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टू ए म्यूनिसपैलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अगर जो काम पंचायत को इंडिया के संविधान के आर्टिकल 243G में दिए गए हैं और जो काम म्यूनिसपैलिटी को इंडिया के संविधान के आर्टिकल 243W में दिए गए हैं, इट मीन्स अगर ये दोनों वो काम कर रही हैं तो इनके काम को ना तो गुड्स के सप्लाई में कवर करेंगे ना ही सर्विस के सप्लाई में कवर करेंगे। अब इसमें पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको दी हुई है, वो लिस्ट हमें याद नहीं करनी, ऑब्वियस सी बात है, हमें एग्जाम में दिया होगा कि ये काम जो है वो इस संविधान के इस आर्टिकल में दिया हुआ है, बट नॉर्मली इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ सर। ये आपके इंडिया का संविधान मैंने खोला हुआ है जी, इंडिया का संविधान मैंने खोला हुआ है, उसमें चेक करो ये आर्टिकल नंबर 243W है,
और आर्टिकल नंबर 243W किसके लिए दिया हुआ है, ये लोकल अथॉरिटी के लिए दिया हुआ है जी। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243W किसके लिए है जी, म्यूनिसपैलिटी के लिए ना, मतलब म्यूनिसपैलिटी के फंक्शन है। कौन से फंक्शन, जो 243W के अंदर है, और 243W के अंदर कौन सी है जी, आप अगर चेक करोगे ये सारे के सारे 1 से लेके 18 काम यहाँ पे दिए हुए हैं जी। इट मीन्स अगर इन 18 फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो ना तो गुड्स के सप्लाई में कवर होगा ना वो सर्विस के सप्लाई में कवर होगा, उस काम पे कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। और अगर मैं 243G की बात करूंगा, ये 243G है जी, ये किन के काम है, जो पंचायत वाली है जी। अब 1 से लेके अगर आप चेक करोगे यहाँ पे लंबी चौड़ी गहरी 29 काम है, 29 रीजन ऐसा क्यों है आप सब जानते हो सर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट गांवों को प्रमोट करना चाहती है, और ऑब्वियसली बात है आजकल गांव में बहुत सारे काम होते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या, इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो अगर आप नॉर्मली इन काम को पढ़ोगे ना, नॉर्मली इसमें एग्रीकल्चर की बहुत सारी एक्टिविटी है। अब ये जो भी काम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे काम अगर इनमें से कोई भी फंक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो एग्जम्पशन में कवर है। एग्जम्पशन भी ना तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा ना वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, उस काम पे जीएसटी नहीं है। सर क्या सारे काम हमें याद करने हैं, आंसर इज नो। आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने क्यों दिखाया, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडिया के संविधान में जो आर्टिकल नंबर 243G है या इंडिया के संविधान में आर्टिकल नंबर 243W जो है उसमें कैसे काम लिखे हुए हैं। और ये मेरे खुद की लैंग्वेज नहीं है, आपके सामने मैंने रियल इंडिया का संविधान खोल के दिखाया हुआ है जी, ठीक है। अब इसमें कुछ भी एग्जांपल आप जैसे मैंने साइड में लिखे हुए हैं, पंचायत वाले काम कौन से हो गए, एग्रीकल्चर को प्रमोट कैसे करना होगा जी, वाटर सप्लाई गांव में कैसे करनी होगी जी, उसके बाद लैंड इंप्रूवमेंट कैसे करनी होगी, ऐसे कई सारे काम इन्होंने लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। तो अगर ये काम मान लो पंचायत कर रही है तो उसके काम को गुड्स और सर्विस की सप्लाई से बाहर निकालेंगे, उस काम पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं होगी। और सेम म्यूनिसपैलिटी ऑब्वियसली बात, एक बात बताओ शहरों में मेन मुद्दे क्या होते हैं भाई, अगर मान लो कोई म्यूनिसपैलिटी है उसके मेन मुद्दे क्या होंगे, कि रोड कैसे बनेंगे, ब्रिज कैसे बनेंगे, वाटर सप्लाई कैसे होगी जी, यहाँ पे लैंड को इंप्रूव कैसे किया जाएगा जी, यहाँ पे एरिया को इंप्रूव कैसे करेंगे। तो जो भी म्यूनिसपैलिटी वाले काम होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे लिस्ट होंगे, उस लिस्ट में दिए कोई भी काम करेंगे उसको गुड्स और सर्विस की सप्लाई से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखी हैं, आपको एग्जांपल ही याद करने हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट आपको याद नहीं करनी जी। तो पहला काम बिल्कुल सिंपल है जी, आज तक वैसे कभी एग्जाम के अंदर बना नहीं, आपके सीएस के एग्जाम के अंदर कभी नहीं बना, सीएस के एग्जाम के अंदर कभी नहीं बना, बट मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, उसको हो पसंद वो बात कहेंगे, वो दिन को अगर रात कहीं रात कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, जून के एग्जाम में देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं दिसंबर के एग्जाम के देखने को मिल जाए, कहीं पर मिल सकता है जी, क्योंकि जब वो हमारे सिलेबस में है तो वो कहीं से भी मिल सकता है ना। तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई साहब जो 8 काम शेड्यूल 3 में हैं उसको छोड़ के और भी काम है। तो पहला काम तो सिंपल से, पहला काम सिंपल कि अगर कोई म्यूनिसपैलिटी या अगर कोई पंचायत आर्टिकल नंबर 243W या 243G वाले फंक्शन अगर परफॉर्म करेगी, उस काम को हम गुड्स और सर्विस के सप्लाई में कवर नहीं करेंगे, उसके काम पर हम जीएसटी की बातें नहीं करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर याद करना है नहीं करना आपको मैं दिखाऊं, देखो पॉइंट नंबर 29 लिखा ना, ये नोटिफिकेशन नंबर इन्होंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन नंबर है 14/2017 और 11/2017, ये नोटिफिकेशन नंबर हमें याद नहीं करना, मैंने पहले भी कहा था बिना बात के इनके चक्रों के अंदर मत पड़ जाना, क्योंकि अगर गलत लिखोगे नंबर 0/0 आएंगे, और अगर नोटिफिकेशन नंबर नहीं लिखोगे नंबर कटने के चांसेस बहुत रेयर हैं, और बहुत सारी नोटिफिकेशन करनी है, बहुत सारे सर्कुलर करने हैं, आप याद कर ही नहीं पाओगे, जो मेन मेन होंगे वो मैं अपने आप बता दूंगा जी, जो भी मेन मेन याद करने होंगे वो मैं अपने आप बता दूंगा जी, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम क्या है जी, सबसे पहला काम एक बार यहां पे देखो जी, सबसे पहला काम जो ही है, पहला काम यहां पे कंप्लीट हो गया, एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत म्यूनिसपैलिटी फंक्शंस डन हो गया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है जी। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी मैं आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा, इसको भी ऐसे ही रहने दो जी, एक बार पहले समझ लो। अब सबसे पहली नोटिफिकेशन तो ये हो गई कि एक्टिविटी इन रिलेशन टू पंचायत म्यूनिसपैलिटी फंक्शन, इनके काम को गुड्स और सर्विस की सप्लाई से बाहर निकाल दिया, इनके काम पर अब जीएसटी नहीं है। अब दूसरी नोटिफिकेशन जो है ना, ये नोटिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, और ये एक बार एग्जाम के अंदर बन भी चुकी है, सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम के अंदर ही बन चुकी है, सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम के अंदर ही बन चुकी है, सेकंड नोटिफिकेशन जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन जो है ना सर, ये 2019 के अंदर आई थी, मतलब आज से 2 साल पहले आई थी नोटिफिकेशन, बट बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं नोटिफिकेशन भी है, तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता बच्चा बोलता पेपर बाहर से आ गया। अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो नोटिफिकेशन है क्या सर, एक बात मुझे सोच के बताओ,
आज अगर मान लो मुझे शराब की दुकान खोलनी है, आज अगर मान लो मुझे शराब की दुकान खोलनी है, तो क्या मैं शराब की दुकान ऐसे खोल सकता हूँ? मतलब जैसे ना मेरा मन करे, मेरे दोस्त ने कहा यार विवेक देख तू सीए तो बन गया, अच्छी बात है, बट यार सीए में ना यार वो कमाई कमाई नहीं है। देख सिंपल सी बात है, वो कमाई वमाई कहाँ है भाई? जो शराब की दुकान में कमाई है ना, जो शराब बेचने में कमाई है, वो तो एक अलग ही लेवल का मजा यार। मतलब मार्केट में जितना मर्जी रिसेशन हो, शराब तो बिकेगी बिकेगी। मतलब खुशी है तो भी शराब बिकेगी, और गम है तो भी शराब बिकेगी। सर एक बात में तो देखो, आपने कई बार देखा होगा मतलब पीने वाले सर ऐसे ऐसे बोलने जाते हैं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, थोड़ी बरसात में भी लेने दो, मतलब दो घुट पिला दे साखिया भाई साहब, दो घुट पिला दे साखिया। सर बच्चे ना, जब मेरा बैच खत्म हुआ एग्जीक्यूटिव वालों का, बच्चे ऐसे लोट लोट के डांस कर रहे, दो घुट पिला दे पिला दे दो। मैं कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, दो घुट पिला दे साखिया, मैं कहा भागो यहां से। मतलब सर गम है चाहे खुशी है, मार्केट में रिसेशन ही नहीं है। आपको मैंने पहले भी कहा था, जब कोविड में, जब कोविड में लॉकडाउन लगा और जब लॉकडाउन खत्म हुआ ना, सबसे पहले भाई साहब शराब की दुकानें खुली। अरे भाई साहब सबसे पहले शराब की दुकानें खुली हैं। मतलब एक आंटी की वीडियो इतनी वायरल हो रही थी, 60 साल की आंटी, सर 60 साल की आंटी हरियाणा में दारू ले रही थी, हरियाणा में शराब ले रही थी, हाथ में भाई साहब दो दो बोतल के, हरियाणा में दो दो बोतलें पकड़ के, मतलब हरियाणा की शराब की बोतल से बाहर निकली आंटी। नहीं विश्वास तो एक बार देख लेना, उसकी बहुत बड़ी बहुत वीडियो वायरल हुई थी सर, अभी भी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पड़ी होगी। मतलब आंटी दो शराब की बोतलें हाथ में लेके सामने न्यूज चैनल वाला खड़ा है, कह रहा आंटी है मतलब आप ये शराब पीते हो, मतलब आपको शराब से नुकसान नहीं होता? अरे के कह लाग रहा भाई शराब तो नुकसान होगा, अरे ये तो शराब ने बचा रखा, कोविड कोविड तक कोरोना कोरोना कुछ ना है, एक बोतल शराब के अंदर गटक लूंगी सारा कोरोना बाहर आ जाएगा, आज तक हॉस्पिटल नहीं गई, पता है डेली शराब पीऊं। मैंने को डेली शराब पीऊं भाई साहब ये क्या चल रहा है? मतलब सही बता रहा हूँ सर, बहुत वीडियो वायरल थी, मेरा देख के दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब 60 साल की आंटी ये कहने लग रहा है भाई शराब की बोतल तो पी, शराब की बोतल ने बचा रखा, बताओ शराब की बोतल ने बचा रखा है सर? लोगों को इतना गलत फहमी हो गई है, उनका दिमाग कह रहा है शराब की बोतलों ने बचा रखा है, कह रहे के वैक्सीन करेगी भाई, जो ये काम कर जाएगी वैक्सीन वो वे काम करेगी के, किस तरह की बातें कर रहा, दो गुट पीऊंगी सारा कोरोना बाहर निकलेगा एकदम। मैंने कहा आंटी आपका काम सही है भाई साहब, मतलब खतरनाक सर, लोग भाई साहब इतना मंदिर में नहीं गए होंगे, इतना मंदिरों में लाइनें लगी होंगी सर, इतना मंदिरों में लाइनें नहीं लगी जितनी शराब की दुकानों के बाहर लगी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ सर, इधर देखो ध्यान से, ये देख लो जी, शराब की दुकान भाई साहब अभी खुली भी नहीं है, अंग्रेजी शराब बियर की दुकान अभी खुली नहीं है, लोग देख लो सुबह सुबह का टाइम है, आप आपको मुझे नहीं पता कितनी लंबी लाइन दिख रही है, ये सारी की सारी लाइन पता नहीं कहां तक जा रही है जी, मतलब पुलिस वाले लाइनें बनवा रही है, अरे अरे उधर खड़ा हो, चल रहा है पीछे था लाइन में लग जा रहे, अरे लाइन में लग जा भाई साहब, लाइन में लग जा भाई साहब, मंदिर की लाइन है, सुबह सुबह लंगर बट रहा है, बता छोले पूड़ी का प्रसाद मिल रहा है, इतनी इतना तो आज तक मंदिर में नहीं गए होंगे लोग। लॉकडाउन खुलते ही लोगों ने आतंक मचा दिया भाई साहब, मुंह पे मास्क है, अरे भाई आगे हो जा थोड़ा सा भाई, शराब लेंदे भाई थोड़ी सी, इस तरह की बात नहीं हो रही है, बताओ अब सोच के बोलना, क्या ऐसे ही हाँ बिल्कुल सही पूजा, बिल्कुल सही कह रही हो, अब सोच के बोलना क्या ऐसे ही मैं शराब की दुकान लगा सकता हूँ क्या सर? अगर मुझे लग जाए, आपको मैं दिखाऊं सर, ये फोटो देख लो, इस कहाँ गई, एक मिनट रुको जी, ये फोटो छोड़ो, देखो लाइने देखो सर, आप लाइने देखो यार, लाइने देखो, मैं कह रहा हूँ मैंने एक फोटो रखी थी, फोटो पता नहीं कहाँ गई, उस शराब की मतलब उस अंकल ने ऐसे शराब की बोतल पकड़ रखी है, मेरी फोटो भी मिल नहीं रही, फिर मेरे को लग रहा है मैंने हटा दी है, ऐसे शराब की दुकान, ऐसे शराब की फोटो, हाँ ये देख लो, ये देख लो अंकल, देख लो जी, एक 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 बोतल यहाँ पे, एक हाथ में और एक हाथ में, ऐसे दिखा रहे से गोल्ड मेडल लेके आए ओलंपिक में, देख लो अंकल को, देख लो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया सर, शराब की तीन तीन बोतलें हाथ में लगे भाई साहब, कह रहे गोल्ड मेडल आए, और देख लो पीछे लाइनें लगी पड़ी हैं, मुंह पे मास्क है, और ये देख लो शराब की, तो आप सोच के बोलना सर कितनी मोटी इनकम है यार, मतलब सोच पा रहे हो कितनी मोटी इनकम है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू देख लो सर। सर वो आंटी का वीडियो बताओ ना, वीडियो मैं ग्रुप में भेज दूंगा जी, अंकल गोल्ड मेडल लेके आए हैं सर, अंकल का गोल्ड मेडल तो देख लो, एक बोतल यहाँ और दो बोतल हाथ में, गोल्ड मेडल देख लो अंकल का पहले एक बार, इंडिया जीत के आया जी ओलंपिक के अंदर, गोल्ड मेडल आया इंडिया अंकल का। हाँ जी अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अब जब भी हमें शराब की दुकान लगानी होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं ऐसा तो लगा नहीं पाऊंगा,
नमन ने बोला, सर बड़ा बड़ा धंधा है ये तो भाई साहब, लाइनें लगी पड़ी है। मतलब सर क्या हम ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते? मतलब हम भी लेके बैठ जाएं भाई, आप 50 रुपए बोतल, 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 50 रुपए बोतल। जी हर गम की दवा है, हर खुशी की दवा है, हर गम की दवा है, हर खुशी की दवा है। पियोगे तो मस्त हो जाओगे, नहीं पियोगे ध्वस्त हो जाओगे। सर क्या हम ऐसे करके शराब की बोतलें नहीं बेच सकते? सर ऐसा करके भूल के मत जाना गवर्नमेंट। आज सुना ध्यान से, कई बच्चों ने बहुत बड़ी लाइन बोली है, सर गवर्नमेंट जो है वो इसका लाइसेंस अलॉट करती है, बिना लाइसेंस के आप शराब नहीं बेच सकते। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब सुनना जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे लाइसेंस दिया, तो उसने कहा ये शराब की, तो मैंने कहा सर शराब की दुकान लेनी है, शराब की दुकान लगानी है। तो उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तुम्हें लाइसेंस दे रहे हैं और तुम शराब बेचना स्टार्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना वीजी, अपना वीजी आगे जो भी अब क्या लगता है, वीजी देशी शराब वाले या वीजी अंग्रेजी शराब वाले, मैंने अपनी दुकान खोल ली। अब भाई साहब यहाँ पे भर भर के लोग आए, मैंने कहा यार मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, इतनी सारी इनकम आ रही है। मेरा पूरी क्लास बस एक क्वेश्चन है, जब मैं इन लोगों को लीकर की सेल करूंगा, यानी सोच के बोलना, जब मैं इन लोगों को लीकर की सेल करूंगा, जब मैं इन लोगों को लीकर की सेल करूंगा, सोच के बोल देना क्या इस पे जीएसटी लगेगा। पहले हमको ये बताओ क्या इस पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा जी? मुझे इसका आंसर दो जी, ये एक बार आंखों से पानी निकालना बंद करो जी, एक बार आंखों से पानी निकालना बंद करो, फटाफट से आंखों से पानी निकालना बंद करो और मेरे को यहां पे बताओ, अगर मान लो मैंने इनको शराब बेची है, अगर मैंने इनको शराब बेची है, और क्या ही शराब की सेल पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा? सर लीकर पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं लगेगा, क्योंकि लीकर जीएसटी से बाहर है। याद करो आर्टिकल नंबर 366(12A) कि आपका जीएसटी हर गुड्स पे एप्लीकेबल होगा, हर सर्विस पे लगेगा, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के, तो इस केस में जीएसटी की बातें नहीं है। बट क्वेश्चन अब ये निकल के आ गया कि लीकर स्टेट का मैटर है, आप सब जानते हो लीकर स्टेट का मैटर है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट है कि लीकर पर हम कभी भी टैक्स जो है ना हम चार्ज नहीं करेंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी, हमारा कोई भी राइट नहीं है। और आपने, मैंने पहले भी कहा, आपने शराब की बोतल पे देखा भी होगा लिखा होता है ओनली सेल इन हरियाणा, ओनली सेल इन यूपी, ओनली सेल इन दिल्ली, ये लिखा होता है क्योंकि वो स्टेट लेवल का है, मतलब उन स्टेट को रिवेन्यू मिलेगा। अब सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मैंने कहा सर मुझे शराब की दुकान खोलनी है, अब शराब की दुकान खोलनी है इसके लिए मैं किसके पास जाऊंगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगा। अब अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगा तो स्टेट गवर्नमेंट मुझे शराब की दुकान खोलने का क्या देगी जी, लाइसेंस देगी। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे लाइसेंस दिया शराब की दुकान खोलने का, तो सोच के बोला क्या इस लाइसेंस के बदले में वो मुझसे पैसे चार्ज करेगी, नहीं चार्ज करेगी? सर क्या इस लाइसेंस के बदले में मुझसे पैसे चार्ज करेगी, नहीं चार्ज करेगी? लाखों रुपए चार्ज करेगी, लाखों रुपए। जितनी लाइसेंस की फीस सर शराब की दुकान लगाने की होती है ना, उतनी किसी की नहीं होती। मैं सही बता रहा हूं सर, बहुत मोटी, बहुत मोटी, बहुत मोटी लाइसेंस फीस है, बहुत मोटी लाइसेंस फीस है, बहुत जबरदस्त लाइसेंस फीस है, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच के बोला वो लाइसेंस फीस चार्ज करेंगे, तो होता क्या था, ये वाला काम तो इन्होंने जीएसटी से बाहर निकाल दिया था, ये वाला काम जीएसटी से बाहर निकालना भूल गए। अब गवर्नमेंट को लगा था ये तो डीम्ड है ना भाई, जब शराब जीएसटी से बाहर है तो शराब का लाइसेंस भी बाहर है। यहाँ पे डिपार्टमेंट और मेरे, मतलब डिपार्टमेंट और मेरे बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ। मैंने कहा इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल लगेगा। सर कहाँ लिखा है कि अगर शराब के लीकर, मतलब लीकर की दुकान लगाने का लाइसेंस मिलेगा, उस लाइसेंस की फीस पे जीएसटी नहीं है? लिखा तो कहीं पर भी नहीं था, लिखा तो कहीं पर भी नहीं था। अब सोच के बोलना क्या इस लाइसेंस पे जीएसटी लगना चाहिए, क्या इस लाइसेंस पे जीएसटी लगना चाहिए? आंसर इज नो। तो फाइनली गवर्नमेंट ने सेकेंड नोटिफिकेशन निकाली और सेकंड नोटिफिकेशन में यह क्लियर किया कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लीकर का लाइसेंस अलॉट करेगी, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लीकर का लाइसेंस अलॉट करेगी और उस लीकर के लाइसेंस के लिए जो भी कंसीडरेशन वो रिसीव करेगी, उसको ना तो गुड्स के सप्लाई मानेंगे, ना वो सर्विस के सप्लाई मानेंगे, उस काम पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। अच्छा, कुछ लोगों ने ना, कुछ लोगों ने नमन जैसे लोगों ने इंटरप्रिटेशन ले ली। नमन कहता है सर मैं पूरे विश्व का महाज्ञानी हूं, महापंडित हूं, सब मुझे ढूंढ रहे हैं, सब ग्रंथों में मेरी बात होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सर इस पे जीएसटी नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे लाइसेंस देती है। टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस है, आर कोल माइंस लगाने का लाइसेंस होता है, और माइनिंग का लाइसेंस होता है, कई सारे लाइसेंस होते हैं, तो क्या सारे लाइसेंस इन्होंने यहां से बाहर निकाल दिए? नमन नहीं,
मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई बच्चा ये गलत इंटरप्रिटेशन बिल्कुल मत ले ले। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि गवर्नमेंट आर जो भी लाइसेंस देती है वो लाइसेंस फीस बाहर है। सिर्फ अगर अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस होगा जी, सिर्फ अगर अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस होगा उसकी फीस पे जीएसटी नहीं होगा। उसको छोड़ के कोई भी लाइसेंस अगर अलॉट होते हैं उस लाइसेंस की फीस पे जीएसटी की बातें होंगी। बस ये बात ध्यान देना जी। तो नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर किया गया जी, नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर किया गया कि भैया लीकर के लाइसेंस को छोड़ के अदर लाइसेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं। तो आपको मैं अब दिखाता हूँ, देखो सेकंड नोटिफिकेशन क्या है जी, देखो सेकंड नोटिफिकेशन क्या है, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। देखो जी यहाँ पे मैंने लाइसेंस लिया और यहाँ पे मैंने लीकर सेल की है, लीकर की सेल पर तो जीएसटी पहले भी नहीं था और लीकर की सेल पर जीएसटी आज भी नहीं है। पहले लाइसेंस की सेल पे जीएसटी की बातें हो जाती थी क्योंकि वो क्लैरिफिकेशन में नहीं था, फिर फाइनली गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल दी और उस पर जीएसटी बाहर निकाल दिया। और कमाल की बात यह है कि यहाँ ये देखो इसकी नोटिफिकेशन जो आई है वो नोटिफिकेशन कब से आई है जी, नोटिफिकेशन नंबर 25/2019। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियरली लिखा है जी, देखो जी, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नोर एज सप्लाई ऑफ सर्विस। और फिर आगे क्लैरिफाई भी किया गया, क्लैरिफाई भी किया गया कि ये जो बेनिफिट है ओनली टू द सप्लाई सर्विस बाय ग्रांट ऑफ लीकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट एज एन एग्रीमेंट ऑफ बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, हेंस दिस इज नॉट एप्लीकेबल, हैज नो प्रीसेंसिव वैल्यू इन रिलेशन टू ग्रांट अदर लाइसेंस, जो अदर लाइसेंस होंगे एंड प्रिविलेज फॉर फी इन अदर सिचुएशन वेयर जीएसटी इज पेबल। अब देखो आगे मैंने लिखा है, अगर आपको लाइसेंस दे रहा माइनिंग राइट्स हैं, नेचुरल रिसोर्स सच एज स्पेक्ट्रम एटसेट्रा अगेंस्ट पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी एटसेट्रा टैक्सेबल अंडर जीएसटी, मतलब वहां पे कोई भी आपको कंसेशन नहीं मिलेगा। कंसेशन जो है वो अल्कोहलिक लीकर के लाइसेंस पर है। ये दो नोटिफिकेशन है जी। अब मुझे कंक्लूड करो जी, अब मुझे कंक्लूड करो। सबसे पहला जी कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहला कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि पहले तो उन्होंने म्यूनिसपैलिटी और पंचायत के जो फंक्शंस होते हैं आर्टिकल नंबर 243 जी और आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू में उन फंक्शंस को गुड्स और सर्विस की सप्लाई से बाहर निकाला, उसको जीएसटी से बाहर निकाला। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट जो लीकर का लाइसेंस अलॉट करती है उसके लिए जो लाइसेंस फीस चार्ज करती है उस लाइसेंस फीस को यहां से बाहर निकाल दिया, उस पर भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी। लीकर तो पहले यहां पे कवर नहीं थी, अब लाइसेंस फीस को भी यहां से बाहर निकाल दिया जी। क्यों बाहर नहीं निकालना चाहिए जी, हर्षिल कह रहा है सर इसको बाहर नहीं निकालना चाहिए, दोनों बहुत अलग हैं। हर्षिल एक बात बताओ, आज लाइसेंस स्टेट अलॉट करती है, अगर आप इस पर जीएसटी लगा दोगे तो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट क्यों चाहेगी जी। आज लीकर का लाइसेंस, आज अगर दिल्ली में इतनी शराब की दुकानें खुल गई हैं, अभी न्यूज़ में क्या खबर आ रही है कि दिल्ली में हर कोने में शराब की दुकान है, मतलब दिल्ली का सीएम दिल्ली के लोगों को शराबी बनाना चाह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं। अब हर कोने में अगर शराब की दुकान होगी भाई साहब तुम्हारा मोटिव क्या है, मतलब कोई शराब की दुकान मंदिर है क्या, मतलब शराब की दुकान मंदिर थोड़ा है। उनको पता है भाई साहब मोटा रिवेन्यू है और इसको पीने की आदत लगी वो छोड़ ही नहीं सकता जी। लोगों के घरों में खाने की रोटी नहीं होगी, लोग शराब पियेंगे पहले। तो आज बहुत मोटा रिवेन्यू, तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हम अपने रिवेन्यू का एक रुपया भी सेंट्रल को क्यों दें। तो उन्होंने क्लियर बोला कि भाई साहब वो बाहर है तो ऑब्वियस बात है ये भी बाहर है, बाहर निकालना भूल गए थे। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से क्लैरिफाई करवाया कि ठीक है लीकर भी बाहर है, उसके लाइसेंस भी यहां से बाहर है जी, ठीक है जी, लीकर भी बाहर है उसके लाइसेंस भी यहां से बाहर है। नहीं, पैरा थ्री में मेंबर ऑफ पंचायत जो हैं उनके काम अलग है जी, उनके काम वहाँ पे अलग है। और एक्चुअल में ना ये एक्सप्लेनेशन है, अगर आप यहाँ पे इसको ना पढ़ो तो वहाँ कहीं ना कहीं वो वहाँ पर भी कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। बट नोटिफिकेशन के थ्रू आए हैं तो ऑब्वियस बात है स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक लो ऑलवेज ओवर रूल जनरल लो जी। लीकर के लाइसेंस पे कौन सा टैक्स लगता है, पुराने टैक्स लगते हैं जी, ओल्ड टैक्स जो भी आपके हैं जी, ओल्ड टैक्स जितने भी आपके हैं वो आपके टैक्स यहाँ पे लगते हैं जी। चलो एक बार अब वापिस आओ, पहले कंक्लूड करो, अब इसको क्वेश्चन को एक बार साइड रखो जी, क्वेश्चन को एक बार साइड करो। यस, लीकर के लाइसेंस पे और कोई टैक्स लगते हैं क्या, नहीं कह रहे, लगते हैं 100% लगते हैं जी। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पर, देखो सर्कुलर बेस तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना प्रैक्टिस मैनुअल दिखाऊंगा आपके आईसीएसआई का ही, तो टेंशन मत लो।
अभी चैप्टर तो खत्म होने, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मेरे को भी करना है, आपको सब पता लग जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, एक वो केस लॉ बना देंगे। केस लॉ क्या बना देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लीकर का लाइसेंस दिया जी। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लीकर का लाइसेंस दिया तो डिपार्टमेंट कह रहे हैं लीकर के लाइसेंस पे जीएसटी लगेगा, एसएससी कह रहे हैं लीकर के लाइसेंस पे जीएसटी नहीं लगेगा, कमेंट पास करो। तो आपको लिख क्या ना, एज पर दी नोटिफिकेशन जो लीकर के लाइसेंस होंगे उसको ना तो गुड्स के सप्लाई मानेंगे ना वो सर्विस के सप्लाई मानेंगे, उस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी जी। चलो वापस आओ जी, अब इधर देखो ध्यान से, अब मैं वापस आ रहा हूँ जी, अब वापस आ रहा हूँ। अब दो पॉइंट नोटिफिकेशन से क्लियर हो गए जी। सबसे पहला पॉइंट कौन सा क्लियर हो गया आपका, पंचायत और म्यूनिसपैलिटी वाला, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट कौन सा क्लियर हो गया कि लीकर के लाइसेंस को यहां से बाहर निकाल दिया, उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी, ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये दो तो हैं नोटिफिकेशन, ये तो हैं दो तो हैं नोटिफिकेशन। अब दो यहां पे सर्कुलर हैं, अब दो यहां पे सर्कुलर हैं, और ऐसे सर्कुलर हैं अगर ये ना भी आते ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में कन्फ्यूजन तो क्रिएट होती, बट ये मामला सेटल हो जाता, ये मामला सेटल हो जाता। इस तरह के सर्कुलर हैं, और ये सर्कुलर क्यों लेकर आए, क्योंकि यहां पे ना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी। आओ जी मैं आपको दिखाता हूं जी, अब इधर देखो दो दो सर्कुलर कौन से हैं जी, अब यहां पे आओ जी, दो सर्कुलर कौन से हैं। अगला कह रहे हैं नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन, दो क्लैरिफिकेशन आई है जी, नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन, दो क्लैरिफिकेशन है। अब सबसे पहले देखो क्या जी, कह रहे हैं सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी has clarified that following activity transaction are non supply, सीबीआई से क्लैरिफाई कर चुका है जी, सीबीआई से क्लैरिफाई कर चुका है, उसकी नोटिंग हम करेंगे, जैसे आपको मैंने कल नोटिंग करवाई थी इसकी नोटिंग भी करेंगे, टेंशन मत लो जी। अब इधर आओ, इधर देखो यहां से, इधर देखो CBIC has clarified the following activity oblique transaction are known supply. पहला क्या लिखा हुआ है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, क्या कहना चाह रहे हैं जी, क्या कहना चाह रहे हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, इट मीन्स अगर इन कन्वेंस का इंटर स्टेट मूवमेंट होगा ना तो इस मूवमेंट को हम गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं मानेंगे, इस पे जीएसटी की बातें नहीं होंगी। देखना क्या लिखा हुआ जी, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है किसका, कन्वेंस का, इंक्लूडिंग किस कन्वेंस में क्या क्या आएंगे जी, ट्रेन हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, टैंकर हो गया, ट्रेलर्स, उसके बाद ट्रेलर्स हो गया, वेसल्स हो गया, कंटेनर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, और किस लिए इसका मूवमेंट हो रहा है, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर और बोथ, मतलब ये गुड्स और पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, या फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वहां जा रहे हैं, मतलब गुड्स और पैसेंजर कैरी कर रहे हैं या ये रिपेयर मेंटेनेंस के लिए वहां जा रहे हैं, एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और नोर एज सप्लाई ऑफ सर्विस देयर फॉर नॉट बी लेवियबल टू आईजीएसटी। कोई बताएगा कहना क्या चाह रहे हैं जी, कोई बताएगा कहना क्या चाह रहे हैं, कोई मुझे बताएगा कहना क्या चाह रहे हैं जी, क्या गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है सर, क्या पल्ले पड़ा आपके, क्या पहले बड़ा वाला गवर्नमेंट कहना चाहिए इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस को गुड्स और सर्विस के सप्लाई नहीं मानेंगे अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही थी प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को ये बताओ प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी जी, नमन कह रहा है बस इतना समझ में आया कि जीएसटी लगेगा, बहुत बढ़िया जी, मूवमेंट ऑफ गुड्स पर सप्लाई नियम, अरे नालायक, चलो छोड़ दो, वापस आ रहा, वापस आ रहा, मेरे को थोड़ा बहुत टैक्स आता है भूल जाऊंगा, आपके मैसेज देखे ना थोड़ा बहुत टैक्स जो आता है ना मेरे को भूल जाऊंगा जी, इधर सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बात मैं सोच के बताओ जी, एक बात सोच के बताओ, मान लो मिस्टर वीजी हैं, मान लो मिस्टर वीजी हैं, मेरा एक हेड ऑफिस जो है ना, मेरा एक हेड ऑफिस जो है, फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफिस मेरा दिल्ली में है जी, हेड ऑफिस मेरा दिल्ली में है, और हेड ऑफिस मेरा दिल्ली में है, और मेरी एक ब्रांच जो है, मेरी एक ब्रांच जो है वो ब्रांच मेरी हरियाणा में है, ब्रांच मेरी हरियाणा में, बहुत ध्यान सुनना, ये मेरा ही ब्रांच है और ये मेरा ही हेड ऑफिस है, सेम पैन के अंदर है, इसका रजिस्ट्रेशन अलग है जी और इसका रजिस्ट्रेशन अलग है, क्या बता सकते हो कि अगर इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है तो क्या हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है, क्या हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है,
सोच के बोलना क्या हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है। पहले तो मेरे को यह क्लियर करो, अगर मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है और मेरी ब्रांच अगर हरियाणा में है, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, क्या हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है या नहीं है? बिल्कुल है जी, हम दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन 100% है। अब सुना ध्यान से, मेरा काम जो है, मान लो मेरा काम जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन का है। अब मेरा काम ट्रांसपोर्टेशन का है, मेरा काम ट्रांसपोर्टेशन का है, तो मेरे पास बसें भी हैं, मेरे पास ट्रक भी हैं, बस और ट्रक, मेरे पास गाड़ियां भी हैं, मेरा काम ट्रांसपोर्टेशन का है, तो गाड़ी भी है, बस भी है, ट्रक भी है, ये सब कुछ मेरे पास है, ये सब कुछ मेरे पास है। अब क्या हुआ, मेरे बस में ना कोई दिक्कत आ गई, तो मेरे बस में दिक्कत आ गई तो मुझे उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवानी है। और ये जो ब्रांच मेरी है, ये जो ब्रांच मेरी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसका काम जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, पर इस ब्रांच का काम जो है वो रिपेयर मेंटेनेंस का है जी। मेरी दूसरे वाली ब्रांच, मतलब हरियाणा की जो ब्रांच है, वो रिपेयर मेंटेनेंस करती है। और हरियाणा में ही एक और दुकान है, हरियाणा में एक और दुकान है, ये दुकान है मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर हर्षित की, और इसका काम भी रिपेयर और मेंटेनेंस का है जी। मिस्टर हर्षित एक अलग दुकानदार है, मतलब मेरी कोई जान पहचान का नहीं है, उसका भी रिपेयर मेंटेनेंस वाला काम है, और मेरी खुद की ब्रांच का भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम है। एक बात सोच के बताना सर, अगर मैं अपना ट्रक इस हर्षित की दुकान पे लेके गया, तो मैंने हर्षित को बोला, मैं कहा हर्षित मेरे ट्रक में ना दिक्कत आ रही है, तो एक बार चेक करना दिक्कत क्या रही है। हर्षित ने कहा दिक्कत ठीक है, मैं दिक्कत चेक कर लेता हूँ। तो हर्षित ने प्रॉब्लम चेक की, तो हर्षित ने कहा प्रॉब्लम समझ में आ गई है, इस प्रॉब्लम को सही करने के 1,00,000 रुपये लगेंगे जी। मैं कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मान लो मेरा 25,00,000 रुपये का ट्रक है, मेरा 25,00,000 रुपये का ट्रक है, मेरे ट्रक की वैल्यू 25,00,000 रुपये की है, मान लो 25,00,000 रुपये की मेरे ट्रक की वैल्यू है। अब मैं ट्रक लेके गया इसके पास, मैं ट्रक लेके गया हर्षित के पास, किस लिए? रिपेयर करवाने के लिए। उसने बोला रिपेयर की सर्विस मैं दे दूंगा, उसके लिए मैं 1,00,000 रुपये चार्ज करूंगा। भाई रिपेयर की सर्विस के मैं 1,00,000 रुपये चार्ज करूंगा, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या GST 1,00,000 पे लगेगा, 25,00,000 पे लगेगा, 26,00,000 पे लगेगा? क्या GST 1,00,000 पे लगेगा, 25,00,000 पे लगेगा, 26,00,000 पे लगेगा? अगर मैं हर्षित के पास ट्रक लेकर गया रिपेयर करवाने के लिए, हर्षित ने बोला 1,00,000 रुपये रिपेयर के हैं, तो 25,00,000 रुपये की ट्रक की वैल्यू है, तो GST 25 पे लगेगा, 26 पे लगेगा, 1,00,000 पे लगेगा। ऑब्वियस सी बात है 1,00,000 पे लगेगा, 25,00,000 तो गुड्स की वैल्यू है, 25,00,000 तो ट्रक की वैल्यू है। बट जब मैं ये ट्रक, मैंने कहा यार मैं हर्षित के पास जाऊँगा क्यों, मैं क्यों जाऊंगा हर्षित के पास, जब मेरे खुद की ब्रांच का काम रिपेयर मेंटेनेंस वाला है, तो मैं वहां ट्रक लेके जाता हूं ना, मैं क्यों जाऊं हर्षित के पास? अब जैसे ही मैं अपना ट्रक वहां लेकर पहुंचा, जैसे ही अपना ट्रक वहां लेकर पहुंचा, तो मान लो सेम रिपेयर की वैल्यू यहां पर भी 1,00,000 है, अब यहां पर भी रिपेयर की वैल्यू 1,00,000 रुपये है मान लो, बट प्रॉब्लम यह, डिपार्टमेंट ने कहा जी हम 26,00,000 पर GST लगाएंगे, डिपार्टमेंट ने कहा हम 26,00,000 पर GST लगाएंगे। अब इसने बोला, मैंने कहा यार तुम्हारा दिमाग तो सही है भाई, 26,00,000 पर GST लगाओगे मतलब क्या भाई तुम्हारा, नहीं क्या मतलब है तुम्हारा 26,00,000 पर GST लगाओगे? मैं कहा भाई साहब मैं रिपेयर करवाने के लिए आया हूं, तो 1,00,000 रुपये रिपेयर की वैल्यू जो निकल के आ रही है उसी पर तो GST की बातें होंगी, यहां तुम कैसे कह रहे हो 26,00,000 पर? कह रहे भाई साहब आपने Para 2 नहीं पढ़ा क्या, आपने Para 2 नहीं पढ़ा क्या? मैं कहा Para 2 मैं कहा किसका Para 2? कह रहे Schedule 1 का, कह रहा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये काम Para 2 में सप्लाई बनेगा Schedule 1 की। तो मैंने कहा मतलब समझा नहीं, कह रहे एक बात बताओ क्या ये ट्रक गुड्स नहीं है, क्या ये ट्रक गुड्स नहीं है? मैं कहा ट्रक तो गुड्स है। तो कह रहे तुम्हारा काम ट्रांसपोर्टेशन का है, तुम यहां ट्रक की सप्लाई कर रहे हो, तो ये सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, ये सप्लाई मान लो विदाउट कंसिडरेशन है, तो ये काम तो तुम्हारा सप्लाई बन गया। मैंने कहा भाई साहब ये ट्रक रिपेयर होके वापस आएगा, ये ट्रक रिपेयर होके वापस आएगा, तुम कैसे बेकार की बातें करो, मैं तो रिपेयर करवाने के लिए आया हूं। उसने कहा भाई साहब ऐसा कहां लिखा है परमानेंट ट्रांसफर Para 2 में? Para 2 में तो लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये काम सप्लाई में कवर हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई साहब, तुम तो ऐसे कुछ भी सप्लाई बना दोगे, मतलब अगर मैं कल बस लेकर पैसेंजर, मेरा काम पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन है, मैं पैसेंजर लेकर यहाँ पहुँच गया मान लो किसी काम के लिए, वहाँ पे फंक्शन है, तो वहाँ पे मेरे को पैसेंजर लेके जाने हैं, तो भाई साहब तुम तो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, तो चलो बात छोड़ दो, तुम तो बस पे भी GST लगा दोगे, तुम तो ऐसे गाड़ी पे भी GST लगा दोगे, बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तुमने बोल दिया Para 2 में काम सप्लाई है, बड़ी दिक्कत आ रही।
सोच के बोलना, क्या ये सप्लाई बनना, क्या कोई तुक बनता है? फिर तो भाई साहब जब ट्रक सही होके हरियाणा से दिल्ली वापस आएगा फिर सप्लाई बन जाएगा भाई, फिर तो बस यही काम कर चलता रहेगा, सप्लाई 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 सप्लाई। मान लिया आपस में आईटीसी क्लेम कर लोगे, मान लिया आप आईटीसी क्लेम कर लोगे, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट भाई साहब यही काम करते रहेंगे क्या? नहीं, कोई तुक बनता है क्या? सोच के बोला, क्या कोई तुक बनता है? मतलब क्या ट्रक को सप्लाई बनाना चाहिए? क्या ट्रक बस और गाड़ियां जो जा रही हैं, क्या उसको सप्लाई बनाना चाहिए या जो उसकी सर्विस है उसको सप्लाई बनाना चाहिए? भाई मान लो, मान लो मैं ट्रक में गुड्स लेके जा रहा हूं, मान लो मैं ट्रक में गुड्स लेके जा रहा हूं अपनी ब्रांच के लिए, तो वो गुड्स को सप्लाई बनाओ ना तुम भाई। अगर एक ट्रक है उसमें गुड्स जा रहे हैं, उस गुड्स को सप्लाई बनाओ तुम। तुम ट्रक को सप्लाई क्यों बना रहे हो? किस लिए बना रहे हो? क्योंकि ये भी गुड्स है, ये भी गुड्स है, तो क्या ये सप्लाई बनाना चाहिए? आंसर इज नो ना। उसकी सर्विस को बनाओ यार, जो उसके अंदर गुड्स भर के जा रहा है उसको बनाओ तुम सप्लाई। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसी से जुड़ते हुए दो सर्कुलर बैक टू बैक इशू किए, और दो सर्कुलर बैक टू बैक इशू करके उन्होंने यही बोला कि अगर इंटर स्टेट कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है, इंटर स्टेट अगर कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है। आज एक बात बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बस है, बस मेरा काम ट्रांसपोर्टेशन का है, इसमें पैसेंजर लेके जा रहा हूं, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस दे रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पर मान लो जीएसटी लगता है, बनना चाहिए। इसमें मैं गुड्स लेके जा रहा हूं अपनी ब्रांच को देने के लिए, तो ये गुड्स वाला काम सप्लाई में कवर हो रहा है, समझ में आता है। बट जिसमें मैं ये सामान लेके जा रहा हूं, ये बस और ट्रक, क्या ये बस और ट्रक की वैल्यू को भी सप्लाई बनाकर जीएसटी लगाना चाहिए? बस मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई। ये तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना यार, ये तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है भाई, ये तो जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तुम इसको पैरा टू में कवर कर रहे हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया जी, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि भाई साहब ये जो बसें जा रही हैं यहाँ से, ये जो तुम बस रेल में कोई रेल में सामान लेके जा रहे हो, तो सामान पर जीएसटी की बातें करो ना, तुम रेल पर जीएसटी की बातें कर रहे हो यार। ये बस लेके जा रहा है पैसेंजर, तुम भाई साहब बस पे जीएसटी की बातें कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा जी इन्होंने, एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा, देखो नहीं यहाँ पे क्या लिखा रही। देखो यहाँ पे पहले मैंने कहा ना, ये बस 25 लाख की है, इसका हम रिपेयर मेंटेनेंस के रिपेयर मान लो 2 लाख की है, तो इसको पहले सप्लाई पैरा टू में कहीं ना कहीं कवर हो जाता था, ठीक है, और ये अब सप्लाई नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बोल दूँ, ये दोनों सर्कुलर जो हैं ये रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे हैं, प्रोस्पेक्टिव बेस पे नहीं है, और जो ऊपर की नोटिफिकेशन हमने पढ़ी है वो भी रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे है। ये गवर्नमेंट की गलती है सर जो सुधारी गई हैं, और ये गलतियाँ कब पता लगती हैं? धीरे धीरे पता लगती हैं। एक्चुअल में सर्कुलर मीन्स क्या होता है? क्लैरिफिकेशन ही तो होता है ये, कि गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर रही है कि भैया ये हम मतलब ये क्लैरिफिकेशन है कि तुम ये दिमाग में मत लेके चलो कि इसको भी हम सप्लाई बनाएंगे। हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि भैया जो उसमें गुड्स जा रहा है उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं, जो रिपेयर की सर्विस है उस पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं, जिस ट्रांसपोर्टेशन मतलब जिस कैरेज में वो सामान जा रहा है उस गुड्स कैरेज को हम यहाँ पे सप्लाई की बात नहीं बनाना चाह रहे जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, तो अगर आप ये इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इंक्लूडिंग ट्रेन बस ट्रक एटसेक्ट्रा 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 एटसेक्ट्रा, क्या कह रहे हैं? अगर आप उसमें गुड्स कैरी कर रहे हो, पैसेंजर कैरी कर रहे हो, या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहे हो, तो देखो अच्छा फिर बट ध्यान रखना जी, यस 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 ऐश्वर्य यस। अब देखो एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस, ऑब्वियस बात, एक बात बताओ सर, अब अपने बोल देना, अगर हरियाणा वाले के पास ट्रक जा रहे हैं और उसका काम आगे ट्रक की ही सप्लाई करना है, क्या फिर ये ट्रक सप्लाई बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे। अगर हरियाणा वाली ब्रांच के पास, मान लो मेरी ब्रांच है हरियाणा में, उसके पास ट्रक जा रहे हैं क्योंकि उसका काम ट्रक की ही सप्लाई करना है, हरियाणा वाले के पास गाड़ियां जा रही हैं, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है गाड़ियों का क्योंकि उसका काम गाड़ियों की ही सप्लाई करना है, क्या फिर ये सप्लाई हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, फिर बन जाएगा ना। देखो उसने वही लिखा है कि अगर वो फर्दर सप्लाई के लिए जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, फिर तो भैया वो सप्लाई है। अगर फर्दर सप्लाई का काम नहीं है, भैया तुम्हारा काम यही है, तुमको ट्रक लेके जाना ही पड़ेगा, तुमको बस लेके जाना ही पड़ेगा, आप खुद गवर्नमेंट कहना चाह रहे, तुम खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब तुमने हर्षित के पास ट्रक लेकर गए, जब तुम हर्षित के पास ट्रक लेकर गए तो 1 लाख पे जीएसटी की बात हो रही है ना, और वही ट्रक जब तुम अपनी ब्रांच के पास लेके जा रहे हो, तुम 26 लाख पे बात कैसे करें? हम 1 लाख पे ही करेंगे, 25 लाख पे जीएसटी की बात नहीं करेंगे, ये क्लैरिफिकेशन है जी। देखो जी
और देखो उन्होंने आगे लिखा है, हाउ एवर एप्लीकेबल सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस द केस में भी, जो रिपेयर मेंटेनेंस जो आपने हुई है उस कन्वेंस पे, जो रिपेयर मेंटेनेंस करवाई है उस पे जीएसटी लग जाएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ रिपेयर वाले काम पे जीएसटी लगेगा, सिर्फ रिपेयर वाले काम पे जीएसटी लगेगा, जो ट्रक और बस की वैल्यू है उस पे कोई जीएसटी की बात नहीं होनी चाहिए। डन है जी। और इसी से जुड़ता हुआ दूसरा सर्कुलर भी इसी से जुड़ता ही हुआ है। ये देखो ये क्या लिखा है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल्स स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील लाइक क्रेन, लाइक क्रेन। देखो जी, अबव सर्कुलर शैल म्यूटेटिस मुटेंडिस अप्लाई टू इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल द गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन एक्सेप्ट इन केस वेयर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स फॉर इज फर्दर सप्लाई ऑफ सेम गुड्स। तो उसको ना तो गुड्स के सप्लाई मानेंगे ना सर्विस के सप्लाई मानेंगे, उस पर कोई भी आईजीएसटी की बात नहीं होगी। बट अगर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो रही है उस पर जीएसटी की बात होगी। मतलब जैसे मान लो क्रेन में कोई दिक्कत आ गई, अगर कोई क्रेन में दिक्कत आ गई उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाने के लिए ब्रांच के पास गया जी, अगर मान लो कोई टूल खराब हो गया मेरा, अगर मान लो मेरा कोई टूल खराब हो गया उसको सही करवाने के लिए ब्रांच के पास गया, तुम तो टूल को भी सप्लाई बना दोगे, तुम तो क्रेन को भी सप्लाई बना दोगे, तो भाई उसकी रिपेयर की सर्विस को सप्लाई बनाओ ना। तो ये सेकंड नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने क्लियर किया जी, ऑन द सेम फुटिंग, मतलब म्यूटेंडिस मुटेंडिस मतलब सेम फुटिंग पे, सेम जजमेंट सेम सर्कुलर यहां पे आप अप्लाई कर दो जी। ठीक है, तो एक्चुअल में ना देखो आपके दिमाग में खुद नहीं आया था ना 25 लाख की बात, खुद तो नहीं आई थी ना, तो नॉर्मली किसी के दिमाग में भी नहीं आती। बट कुछ लोग, मैंने कहा ना इंडियन माइंड है, डिपार्टमेंट के दिमाग में खुराफात आती है, तो डिपार्टमेंट ने केस ठोक दिया होगा, असएससी ने कहा होगा यार कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं रिपेयर करवाने के लिए कहीं और जाऊंगा तो भी तो 1 लाख पे जीएसटी पे करूंगा। उसने कहा नहीं नहीं पैरा टू में सप्लाई है। तो फाइनली डिपार्टमेंट ने क्लियर करके डिपार्टमेंट को बताया, चुप करके बैठ जाओ, 1 लाख की बात होगी, जो रिपेयर वाले काम है उसी की बात होगी, जो ट्रक और बसों की वैल्यू उसको यहां से बाहर निकालो, हम ये क्लैरिफाई कर रहे हैं। और ये रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे है, प्रोस्पेक्टिव बेस पे नहीं है जी। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आ रहा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। तो अब जाके एक बार मुझे फटाफट से कंक्लूड कर दो जी, एक बार मुझे फटाफट से कंक्लूड कर दो, दो नोटिफिकेशन और दो सर्कुलर जी। ठीक है जी, दो नोटिफिकेशन और दो सर्कुलर, मुझे 2 मिनट में कंक्लूड करो जी। पहली नोटिफिकेशन, एक तो म्यूनिसपैलिटी और पंचायत उनके फंक्शन जो हैं 243G और 243W के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म करने उनको गुड सर्विस से बाहर निकाल दिया, नोटिफिकेशन नंबर 1 ये थी। नोटिफिकेशन नंबर 2, शराब बेचने पर पहले भी जीएसटी नहीं था, आज भी जीएसटी नहीं है, शराब के लीकर के लाइसेंस पर पहले जीएसटी की बातें हो सकती थी, रीजन क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं थी, बट नोटिफिकेशन के बाद लीकर के लाइसेंस को ना तो गुड्स और सर्विस की सप्लाई मानेंगे, उस पर कोई जीएसटी की बातें नहीं होंगी। सर्कुलर नंबर 1, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भाई कन्वेंस का मूवमेंट हो रहा है तो कन्वेंस के मूवमेंट को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, उसकी जो सर्विस हो रही है उसका जो सर्विस का पार्ट हो रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की चाहे वो रिपेयर मेंटेनेंस की, उसकी सर्विस पे जीएसटी की बातें होंगी। जो मूवमेंट हो रहा है ट्रक बस और जो भी ट्रेन ट्रून जो भी वहां जा रही है उसकी वैल्यू पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। सेम इसके नीचे वाला केस है, रिक्स हो गया, टूल्स हो गया, क्रेन हो गया, अगर आपके डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे जीएसटी की बातें होंगी, उनकी जो रियल वैल्यू है उस पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी, इनको गुड्स और सर्विस के सप्लाई से बाहर निकाल दिया गया। डन है जी। तो अब जाके फाइनली दो नोटिफिकेशन और दो सर्कुलर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं जी। ठीक है, तो ये अब जाके हमारा 7-2 अब जाके हमारा पूरा खत्म हो जाता है जी। अब मुझे एक बार फटाफट से कोई भी छोटे मोटे डाउट हैं तो बता दो जी।